चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल। अरे मोमो टिकार तू आहिस्ता लो। आई मैं तो फिर भी टिकार आहिस्ता लेती हूँ। जब अम्मी जी टिकार लेती थी ना हमारे कौन सुन हो जाते थे। हाँ जी होए 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 यार आज तो बहुत गर्मी है महमूद साहब, बहुत गर्मी है यार। ओ तुम कहीं बाहर से आ रहे हो? ओ नहीं यार, मैं लॉन में ना फोन पे बात कर रहा था, हालत खराब हो गई। मैं ऐसी क्या बातें कर रहा था फोन पे कि तेरी हालत खराब हो गई है? माँ जी गर्मी से हालत खराब हुई है। विश्य विश्य। ओ यार ये पिज्जा की खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे तुम्हारी माँ ने टिकार लिया है नबील। आप पता हमने थोड़ी देर पहले ही पिज्जा खाया है ना गोल वाला। ओ यार आप लोगों ने अकेले अकेले पिज्जा खा लिया? ना तो क्या पूरे मल्ले को साथ बिठा के खिलाते हैं? हाँ यार तुम्हारी माँ का दिल चाह रहा था तो हमने मंगवा लिया पिज्जा। और माँ जी मुझे भी भूख लग रही है यार। हाँ तो किचन में रात का बचा हुआ खाना पड़ा है, जा खा ले। मुझे नहीं खाना रात का बासी खाना। तो जाके अपनी बीवी को बोल तुझे ताजा खाना बना के दे। भाई तू हमारे सर में दर्द क्यों कर रहा है? वो जो तुम्हारे सर में हो रहा है वो दर्द है। बिल्कुल पिज्जा जैसी खुशबू आई। जानू मुझे भूख लग रही है। तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? क्या मतलब? खाना बना के दो। नबील मैं इतनी गर्मी में किचन में खड़े होके खाना नहीं बना सकती। क्या मतलब मैं नहीं बना सकती? मैं क्या भूखा रहूंगा? रात का खाना रखा हुआ है वो खा लो। मुझे फ्रेश खाना बना के दो। खुद बना लो नबील, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तुम शायद ये भूल रही हो कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। और तुम भी शायद ये भूल गए हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, खानसामा नहीं। सुरन शर अप नबील। ओके जानू फिर मैं रात का ही खाना खा लेता हूँ जो बचा हुआ है। माँ जी अरे मेरे बच्चा चल गया। आपका बच्चा चल नहीं गया, आपका बच्चा तप गया है। हाँ ये क्या है? रात का सालन है पुत्र। माँ जी इसमें से तो मरे हुए चूहे की बुआ रही है। लेकिन मैंने तो मुर्गी का सालन बनाया था पुत्र, हो सकता है उस मुर्गी ने चूहा खा लिया हो। माँ जी मुर्गी कहाँ चूहा खाती है यार, बिल्ली चूहा खाती है। हाँ तो हो सकता है बिल्ली ने चूहा खाया हो तो, और वो मुर्गी जो है वो बिल्ली खा गई हो। क्या हुए? माँ जी आप सालन फ्रिज में नहीं रख सकती थी, आपको पता तो है कितनी गर्मी हो रही है। फ्रिज में? ओ यार किचन में सारा सालन खराब हो गया, मैं क्या खाऊंगा? ओए कुछ नहीं होता पुत्र, नाक बंद करके खा ले। पहले कौन सा तू ताजा खाना खाता था? माँ जी ओ यार क्या यार बुढ़िया, हम लोग डाकू हैं डाकू। ओए बाहर कहाँ जा रही है, अंदर चल। मैं यहाँ काम करने आई थी, मैं यहाँ रहती तो नहीं हूँ, मैंने जान दो मैं तो चली हूँ। अरे बुढ़िया झूठ बोल रही है, ये इसी घर में रहती है। तुझे कैसा पता? मैंने बड़े दिनों से नजर रखी हुई थी। इस पर? इस पर, इस घर पर। वो अच्छा, चले अंदर अंदर। अच्छा शोर मत मचाना। अरे मोमो ये चाकू नहीं पिस्तौल है। नहीं जी ये लोग चाकू हैं। अबे चाकू नहीं डाकू। हाँ हाँ डाकू, हमारे घर में एक बार फिर डाकू आ गए अजमल। महमूद। हाँ हमारे घर में फिर एक बार महमूद डाकू आ गए अजमल। आप लोग सचमुच के डाकू हैं? अबे तो क्या हम तुझे प्लास्टिक के डाकू लग रहे हैं? अबे हम बहुत खतरनाक डाकू हैं। हाँ ये बड़ा और मैं छोटा। ये आपसे बड़े डाकू हैं? अबे नहीं बे, ये हमारे नाम है बड़ा छोटा। क्या? और यार महमूद साहब हम साये से खाना वाना आया है क्या? नहीं पुत्र ये आए। ये कौन है महमूद साहब? शबड़ गुल्लेस। खुद ही पूछ लो ना नबील। हाँ भाई कौन हो भाई तुम लोग, इतने बड़े बड़े मुंह लेके आ गए हो? अबे हम डाकू हैं डाकू। क्या? हाँ मेरा नाम छोटा है। कितना छोटा है भाई? हैं? आपका नाम है? नहीं नहीं है। अबे इसका नाम छोटा है और मेरा नाम बड़ा है। आपका नाम इनके नाम से बड़ा है या हमारे नामों से भी बड़ा है? अबे मेरा नाम बड़ा है।
ओ भाई कितना बड़ा है, क्या मैं एक सांस में तुम्हारा नाम नहीं ले सकता? अबे साले कॉमेडी कर रहा, गोली मार दूंगा तुझे। अरे नहीं भाई कॉमेडी नहीं कर रहा, मुझसे खाली पेट कॉमेडी होती नहीं है यार। हाँ, हमारा राइटर अली इमरान जो है वो आजकल डाइटिंग पे है, इसीलिए भीगे भीगे से स्क्रिप्ट भेज रहा है। हाँ, मुंह उसका फिर छोटा नहीं हो रहा। बड़े पेट तो हमारा भी खाली है, दो दिन से कुछ नहीं खाया यार। हाँ कह तो तू भी ठीक रहा है यार, पर एक काम करते हैं, पहले डाका मारते हैं फिर खाना खाते हैं। नहीं बड़े मेरी हिम्मत नहीं हो रही, पहले खाना खा लेते फिर डाका मारेंगे। अबे मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, पहले डाका मार लेते फिर सुकून से खाना खाएंगे। यार पहले खाना खा लेते ना। ओ भाई आप लोग एक काम करें, आप लोग आराम से पहले खाना खा लें, क्योंकि डाके में भी आपको सिर्फ और सिर्फ खाना ही इस घर से मिलेगा। बड़े चलो खाना खा लेते। अबे हाँ यार चल ठीक है। अरे मोमो तुम यहाँ खड़ी इनके खौफनाक मुंह क्यों देख रही हो, जाओ जाके खाना लगाओ। अभी लाई हमारी वरना ये लोग गोली मार देंगे, बड़े जालिम लोग। बात सुन, पुलिस को बुलाने की कोशिश मत करना। नहीं बिल्कुल नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, फिक्र ना करें, अगर हमने पुलिस को बुला लिया तो एपिसोड कैसे बनेगा। आप लोग खाना वाना खाए आराम से। अबे तुम लोगों ने खा लिया क्या? तौबा करें जी, ये खाना कौन खाएगा? क्या मतलब? मेरा मतलब है ये खाना तो आपके लिए है ना, हम कैसे खा सकते हैं? हाँ ये ठीक है। यार नबील ये लोग ये वाला खाना खा लेंगे। महमूद साहब दुआ करें इनके नाक बंद हो, महमूद अख्तर साहब की तरह। चीख क्यों मारी? जोर से चीख मारी। मेरी दिल की धड़कने कितनी जोर जोर दिल धड़क रहा है यार। देख के ना। अबे इसकी चीख सुनकर बड़े। अच्छा कौन हो तुम लोग? जानो तुमने इन्हें पहचाना नहीं, इनके मुंह बता रहे हैं कि ये डाकू हैं। क्या फिर से डाकू? हाँ जानो। ये अली इमरान के पास क्या सिचुएशंस कम हो गई हैं जो बार बार डाकुओं को हमारे घर भेज देता है। लड़की हमें किसी ने भेजा नहीं है, हम खुद आए। और हाँ घर में जो भी कुछ है ना जाके ले आओ। घर में जो कुछ था ना वो सब निकाल के दे दिया, अब तो खाने के लिए घर में सिर्फ लॉन की घास बची है। मैं बुढ़िया हम खाने की नहीं माल और जेवर की बात कर रहे हैं। हमारे पास तो कोई जेवर नहीं है डाकू भाई। झूठ बोल रही है, अभी पिछले महीने तो तेरे पापे ने अपनी बीवी का जेवर तेरे पास रखवाया था। क्या बाजी? भाई सबा जेवर लेकर आ, चल वरना गोली मार दूंगा। बड़े ये आवाजें कहाँ से आ रही है? अबे मेरे पेट से आ रही है। बड़े पेट में तो मेरी मरोड़ उठ रही है। कंट्रोल कर। बड़े कंट्रोल नहीं हो रहा। अबे मुझसे भी नहीं हो रहा। बड़े पहले मैं जाऊंगा। नहीं नहीं पहले मैं जाऊंगा। मैं छोटा हूँ ना, पहले मैं जाऊंगा। अबे मैं बड़ा हूँ, पहले मैं जाऊंगा। मुझे बड़ा वाला, अबे मतलब बड़े, पहले मैं जाऊंगा। अबे इतना बड़ा घर है, एक वॉशरूम तो नहीं होगा ना यार? वो यार मैं मुझे बड़े सस्ते डाकू लग रहे हैं, अब क्या ये वॉशरूम के नलके चुराएंगे? अबे बकवास नहीं करो, ये बताओ वॉशरूम कहाँ है? अरे एक उस कमरे में है। किस कमरे में है? एक कमरे में दो नहीं है क्या? ओ भाई नहीं है यार, चुप बड़े। यार नबील इन डाकुओं को हमें गोली से मारने की जरूरत नहीं है, अरे हम तो इनकी बदबू से मर जाएंगे। ओ यार मैं तो चुप करें यार। माँ जी आपको क्या जरूरत थी सबके सामने बोलने की कि मेरे पास जेवर है? ना तो तेरी माँ के जेवरों के लिए हम गोली खा लेते। चलो तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अगर नहीं छुपाती ना नबील तो तुम कब के वो जेवर बेच चुके होते। यानी डाकू ले जाए शहर के काम ना आए। शराब नबील। ओके जानू। अरे ये सब छोड़ो, उन डाकुओं को बाहर निकालो। लैट्रीन से? अरे नहीं भाई इस घर से। नबील बट साहब को फोन करो। ओ यार बट साहब छुट्टियों पे हैं। ओहो तो किसी और पुलिस वाले को बुला लो यार। किसी और को बुलाएंगे तो ज्यादा पैसे मांगेगा यार, पहले बजट आउट हो रहा है। ओ भाई हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, जल्दी से माल निकाल। सेवन लेकर और कैश भी। कैश तो नहीं है हमारे पास। और बताओ तेरे का मैं भी। अरे ये दोनों कहाँ चले गए? वॉशरूम। फिर से? हाँ मैं सब लगता है रात के खाने ने काम कर दिखाया है। ये चीज रियाजी। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।
की आवाज नहीं आ रही। हाँ महमूद साहब, मेरा ख्याल है अब वो डाका मार रहे हैं। इससे पहले कि वो मेरे तकिए के गुलाब में से 1000 रुपया निकाल ले, मैं भी बताती हूँ जाओ के जेवर किधर रखे हैं तेरे। क्या? अरे मोमो, अरे मोमो, इन दोनों को क्या हो गया, मर कैसे गए हैं? मुझे लगता है माँ जी, इन लोगों ने लालच में आकर एक दूसरे को गोली मार दी है। अरे अगर गोली मारी होती तो इनका खून ना निकलता। गोली से? अरे नहीं भाई, इनके जिस्म में से। ना हो सकता है इन दोनों ने एक दूसरे के बालों में गोली मारी हो। ओहो, ये लोग मरे नहीं है, जिंदा है। देखो सांस आ रही है शायद। ओ जानू सांस रोको, वरना ये लोग उठ के तुम्हारा जेवर लूट कर चले जाएंगे। मैं कैसे सांस रोकूं नबील? आए तुझे सांस नहीं रोकनी आती? चल कमरे में मेरे साथ, मैं तेरे मुंह पे तकिया रख के ना सांस रोक के बताती हूँ। मेरी नहीं, इनकी सांस बंद करनी है। अच्छा भाई, अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते यार। चलो जाओ, अब पैसे और जेवर ले आओ, छोटे भैया को और बड़े भैया को दे दो। ओ नहीं भाई, हमें जेवर नहीं चाहिए, अभी हमें जुलाब रोकने की दवाई ला के दे दो, खुदा का वास्ता यार। हाँ ईमान से, अब तो बाथरूम जाने की हिम्मत भी नहीं रही, बल्कि सोचने की हिम्मत भी खत्म हो गई। वैश्य वैश्य। नबील जाओ यार, जल्दी से दही लेकर आओ। ओ कबराना पुत्र, मैं अभी दही में तुझे ना बगलोल डाल के खिलाती हूँ। माँ जी इसबगोल। हाँ पुत्र इसबगोल, जल्दी से दही लेके आना। अभी लाया यार। अभी कहाँ जा रहे हो? दही लेने जा रहा हूँ। हाँ पुत्र, मुझसे ना इनकी ये हालत देखी नहीं जाती, जा जल्दी से ले आ। एक काम करें, आप लोग जरा मेरे साथ लॉन में आए प्लीज, चले। कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं भाई, उन बेचारों की मदद कर रहे हैं। बेचारे? ओहो महमूद साहब, वो डाकू हैं, आप लोगों के मेहमान नहीं है जो आपको इतनी फिक्र हो रही है। अरे अच्छा है ना, उनकी तबीयत खराब हो तभी तो घर से बाहर जाएंगे। ओ जानू, जैसी उनकी हालत है ना, वो बाथरूम से बाहर आ जाए बड़ी बात है, घर से बाहर जाना तो बहुत ही बड़ी बात होगी। कैसी घटिया सोच है तेरी अकीला। खूबसूरत? ओए खूबसूरत नहीं, बहुत घटिया सोच है, तुझ में जरा भी इंसानियत नहीं है। और मैंने उनको रात का सड़ा हुआ खाना खिलाया था, इसलिए उन बेचारों की ये हालत हो गई है। तो जब तक मैं उन्हें ठीक नहीं कर लूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। What? Yes, 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 yes. बोल, खिला रहा हूँ ना, आकर आप लोगों ने ऐसा क्या खिला दिया जिससे हमारा पेट खराब हो गया? अरे कुछ भी नहीं, रात का खाना था बिल्कुल फ्रेश। तो हमारा पेट क्यों खराब हो गया? हो सकता है रात खाने में बिल्ली ने मुंह मार दिया। क्या? तू खा ले पुत्र, हमारे घर में कोई बिल्ली विल्ली नहीं है, हमारे तो किचन में ना बस 6-7 चूहे हैं, पॉले पॉले। क्या इसको क्या हुआ है? तू नहीं जाएगा? मैं पूरा खत्म करके जाऊंगा। बड़ा ही ढीठ है तू। नहीं नहीं नहीं, गुस्सा ना कर, पेट खराब है तेरा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। वास्ता मुझे माफ कर दो, तुम लोग मेरी तौबा, ये सब डाके मारने की सजा मिल रही है हमें। हाँ वरना हम तो कोई गलत काम करते भी नहीं है। ओ, हम जा रहे हैं यहाँ से। ऐसे कैसे पुत्र, मैं तुम लोगों को नहीं जाने दूंगी इस हालत में। नहीं, और तेरा बड़ा एहसान है माँ जी, हमें जाने दे, हमें वॉशरूम में मरने का कोई शौक नहीं है। हाँ चल बड़े, इससे पहले कि मोटर फिर से स्टार्ट हो जाए चलते। हाँ यार, किसी दुकान से डायपर भी ले लेंगे। हाँ तुझे तो एक्स्ट्रा लार्ज डायपर आएंगे। हाँ मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूँ। आओ आओ शाला, ख्याल से ख्याल से, हैंडल विद केयर महमूद साहब। फ्रेजाइल
मैं जाके जादू को बताता हूँ कि डाकू चले गए। जानू तुम रो क्यों रही हो? पता नहीं बेचारे दोनों किस हाल में होंगे। बस कर दे माँ जी, आपने आज तक अपने मियाँ और बेटे की फिक्र तो की नहीं, जो आपको उनकी इतनी फिक्र पड़ी हुई है यार। नबील, नबील क्या हुआ जानू? मेरे कमरे से जेवर कहाँ गए हैं नबील? क्या ये तुम अपनी माँ से पूछो। पुत्र वो दोनों ना खाली हाथ जा रहे थे तो मुझे नहीं अच्छा लगा बिल्कुल, तो मैंने वो जेवर निकाल के ना तो उनको दे दिए। क्या? हाँ वो तो ले नहीं रहे थे, मैंने अपनी कसम दे के तो उनको पकड़ाया थे ना। बड़े खानदानी डाकू थे मान से। माँ जी।